अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है बच्चों? ओके, ग्रेट। चलें, लेट्स स्टार्ट इन अ व्हाइल। लेट्स लेट अदर कम्स, फिर स्टार्ट करते हैं। This conference will now be recorded. We discussed types of structures and we discussed some basic concepts of organizational structure like departmentalization, formalization, chain of command, span of control. बड़ी बुनियादी बातें हैं जो किसी भी structure के लिए आपको समझनी होती हैं। बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन डेवलप और चेंज देयर स्ट्रक्चर, दे शुड अंडरस्टैंड व्हाट चेन ऑफ कमांड इज, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। टॉल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, दे आर विद मेनी लेवल्स ऑफ हायरार्की, और ऐसे स्ट्रक्चर्स में डिग्री ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन ज्यादा होती है, स्पेशलाइजेशन ज्यादा होती है। फ्लैट स्ट्रक्चर्स है, फ्यूअर लेवल्स ऑफ हायरार्की, और उसके अंदर फॉर्मलाइजेशन कम होती है। इट्स मोर ऑफ एन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रादर देन अ फॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक है, अगला जो एरिया है, दैट विल टॉक अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स एंड हाउ स्ट्रेटजी इज इम्प्लीमेंटेड बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप्स। स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन तो आप पढ़ेंगे जाके फाइनल्स में, अपना पूरा एक कोर्स है आपका स्ट्रेटजी के ऊपर। बट फॉर नाउ देर आर ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप एंड हाउ दीज रिलेशनशिप्स आर डेवलप्ड विदिन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। एक इदारे के अंदर किस किस्म के रिलेशनशिप पाए जाते हैं और एक इदारे के बाहर उसके किस किस्म के रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं। इंटरनल रिलेशनशिप आर बेसिकली बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। पार्ट से मुराद यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं या बिजनेस यूनिट्स हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनके दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं उन्हें हम इंटरनल रिलेशनशिप्स कहते हैं। एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स आर बिटवीन द डिफरेंट एंटिटीज दैट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव देयर गोल। जैसे आपका आउटसोर्स पार्टनर है फॉर एग्जाम्पल, ऐसी एंटिटी जो आपके लिए आउटसोर्स वर्क करती है, दैट वुड बी योर एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। आपके अलाइंसेज हैं फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर्स हैं आपके, ऑल ऑफ दीज आर योर एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। इंटरनल रिलेशनशिप्स के अंदर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है हमारा, दैट इज डिसीजन मेकिंग। ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल रिलेशनशिप्स को डेवलप करती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बेहतर करने के लिए। डिसीजन मेकिंग दो किस्म की होती है, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। एज यू ऑल नो, ये भी बात हुई थी। सेंट्रलाइजेशन कहते हैं व्हेन ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द हेड ऑफिस, और डिसेंट्रलाइजेशन मींस व्हेन डिसीजंस आर डेलीगेटेड टू द लोकल मैनेजर्स और डिपार्टमेंटल हेड्स और इवन फ्रंट लाइन मैनेजर्स। डिपेंड करता है अगेन आपके नेचर ऑफ डिसीजन के ऊपर कि आप कितना डेलीगेट कर रहे हैं उसको। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है या डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है, दोनों के बेनिफिट्स होते हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स भी होते हैं। ये डिसीजन कहाँ से आता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेनोमेना है। सो मेनी फैक्टर्स विल ड्राइव दिस डिसीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी अ सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर। साइज ऑफ द एंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जितना इदारा बड़ा होगा उतना डिसेंट्रलाइज होगा। अंडरस्टूड? छोटे इदारे जो हैं वो ज़्यादातर सेंट्रलाइज होते हैं क्योंकि कम डिसीजन होते हैं। द टॉप मैनेजमेंट कैन मेक ऑल द डिसीजन लाइक एन एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर। एक एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर जो है इट इज हाईली सेंट्रलाइज, ठीक है। और एक ओके, अब आ रही है जी स्क्रीन? ओके, नाउ आई गेस इट्स फाइन। वो पॉज हुई थी। सो एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रक्चर जो होता है
दैट इज अ सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर. इसके बरक्स इफ यू टॉक अबाउट अ डिविनल स्ट्रक्चर दैट माइट बी अ डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर. डिविनल स्ट्रक्चर जो है वो डिसेंट्रलाइज होगा. इफ यू टॉक अबाउट नेस्ले, तो नेस्ले का डिविनल स्ट्रक्चर है और उन्होंने डिविनल हेड्स को ऑटोनॉमी दी हुई है, पावर दी हुई है डिसीजन मेकिंग की. और डिविनल मैनेजर्स ने आगे लोकल मैनेजर्स को ऑथोराइज किया हुआ है कि दे कैन मेक देयर ओन डिसीजन. सो हु मेक्स दिस डिसीजन एंड हु मेक्स डिसीजन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. सो इफ डिसीजन मेकिंग पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड एट अ सिंगल पॉइंट, और ये सिंगल पॉइंट जो होता है दैट इज मेनली टॉप टॉप मैनेजमेंट. अगर पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग आपने एक सिंगल पॉइंट पे कंसोलिडेट की हुई है विच इज आइडियली द टॉप मैनेजमेंट, तो इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. एंड इफ डिसीजन मेकिंग पावर इज स्प्रेड आउट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड जूनियर और लोकल मैनेजर्स आर इक्वली केपेबल बिकॉज दे हैव बेटर नॉलेज एंड दे नो द सिचुएशन बेटर, इसे कहेंगे डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर. डिसीजंस एक ऑर्गेनाइजेशन में तीन किस्म के होते हैं, ये बात याद रखिएगा. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिसीजंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. डिसीजंस आर स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल. तीन किस्म के डिसीजन होते हैं एक इदारे के अंदर. स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर लॉन्ग टर्म डिसीजंस, एक इदारे की डायरेक्शन को सेट करना. फॉर एग्जाम्पल विच प्रोडक्ट लाइन्स अ कंपनी शुड प्रोड्यूस, ये एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन है. या कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, कौन सा प्रोडक्ट नया ऐड करना है, किस एसबीयू को डेवलप करना है, मेजर इन्वेस्टमेंट किन प्रोजेक्ट्स में करनी है, ऑल ऑफ दीज आर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. टैक्टिकल डिसीजंस आर शॉर्ट टर्म डिसीजंस, मीडियम टू शॉर्ट टर्म डिसीजंस. हाउ मेनी यूनिट्स टू प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर लॉट, ये प्रोडक्शन का टैक्टिकल डिसीजन हो सकता है. मार्केटिंग का टैक्टिकल डिसीजन क्या हो सकता है, हाउ मच बजट टू बी एलोकेटेड फॉर अपकमिंग एडवर्टाइजमेंट कंपेन, दैट इज मार्केटिंग टैक्टिकल डिसीजन. स्ट्रेटेजिक डिसीजन आर ऑर्गेनाइजेशन वाइड एंड टैक्टिकल डिसीजन आर आइडियली डिपार्टमेंटल. जो बड़े डिसीजन होते हैं वो ये पूरे इदारे के होते हैं, जो टैक्टिकल डिसीजन होते हैं ये डिपार्टमेंटल होते हैं. एंड देन देर आर शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल डिसीजन, रोजमर्रा के डिसीजन डेली बेसिस पे. फॉर एग्जाम्पल डेली प्रोडक्शन क्वांटिटी, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स डिपार्टमेंट में पेटी कैश के जो इश्यूज हैं डेली बेसिस पे, ये ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं. नॉर्मली ये देखा गया है कि टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस आर मेनली डिसेंट्रलाइज्ड एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर सेंट्रलाइज्ड. टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल डिसीजंस जो हैं दे आर टेकन वेल बाय द लोकल मैनेजर्स बिकॉज दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राउंड रियलिटी. लेकिन जो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजंस होते हैं दे आर कॉन्सेंट्रेटेड एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट वुड बी टेकिंग द डिसीजन रिगार्डिंग द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस. ठीक है, सो देर आर वेरी स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट्स दैट स्ट्रेटेजिक डिसीजंस शुड बी टेकन सेंट्रली. ठीक है, और जो टेक्टिकल और ऑपरेशनल जो डिसीजंस होते हैं दे माइट बी डिसेंट्रलाइज्ड. बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग विच इज यू नो इट एग्जिस्ट एवरी टाइम, ऐसा नहीं होता. बाज दफा इदारे अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को भी डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. इट डज हैपन स्पेशली इन वर्चुअल कंपनीज, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इदारे अपने जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं उनको भी डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये डायग्राम बेशक आप इग्नोर कर दें, दिस इज अ वेरी पैथेटिक डायग्राम ड्रॉन. सेंट्रलाइजेशन की डायग्राम देखें तो ये कोई अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है डायग्राम आपको. ठीक है, दिस डायग्राम इज नॉट वेरी गुड इन गिविंग सम गुड इंफॉर्मेशन. नवीद, आखिरी बात मैंने ये कही है कि देर आर सम ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑल्सो डिसेंट्रलाइज स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को भी डिसेंट्रलाइज कर देते हैं. जैसे एग्जाम्पल दी वर्चुअल कंपनीज की, वर्चुअल कंपनीज के अंदर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस भी डिसेंट्रलाइज होते हैं. फूड पांडा की एग्जाम्पल ले लें तो फूड पांडा जो है वो इवन दो इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उन्होंने बड़े जो स्ट्रेटेजिक लेवल डिसीजन है वो भी अपने डिफरेंट ज्योग्राफिकल जो मैनेजर्स हैं उनको एलोकेट किए हुए हैं. लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज मीन डिसीजन आर टेकन बाय द सीनियर मैनेजमेंट एंड डिसेंट्रलाइज मीन डिसीजन आर डेलीगेटेड एट द लोअर लेवल मैनेजमेंट.
Functional entrepreneurial. These are mainly centralized structures. Matrix and divinal, they are mainly decentralized structures. मैट्रिक स्ट्रक्चर में भी ज्यादातर पाई जाती है डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि मैट्रिक स्ट्रक्चर में चूंकि एक इंडिविजुअल को डुअल कमांड रेगुलेट कर रही होती है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो फिर उस इंडिविजुअल के ऊपर ही डिसीजन मेकिंग डाल देते हैं कि ही और शी कैन टेक द डिसीजन एट हिज ओन. ठीक है, सो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं ऐसा इदारा जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द डिसीजन आर रिटेन्ड बाय द टॉप मैनेजमेंट बाय द अथॉरिटी टू मेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन. एंड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन The authority to make major decision is delegated to the management of unit at lower levels, such as SBUs, divisions, divisional managers. ये एक important question है, comment है. It can be a short question as well. कि किन factors पे depend करती है ये choice that whether you are going to opt a centralized or a decentralized structure. वो कौन से factors हैं जो आपकी इस choice को drive करते हैं? The choice between a centralized or a decentralized structure purely depends upon few factors. Number one, ideally it is preference of management. Obviously, पहला तो factor यही है कि management की preference क्या है, the top management. If they want to make a decentralized structure, that is their preference. If they want to retain the decisions with them, that is their decision. However, size or complexity भी define करती है. इदारे का कितना size बड़ा है, in terms of human resource, in terms of operations, in terms of number of product lines. और कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, कितना कॉम्प्लेक्स है इदारा. सो देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल दैट आल्सो मेक दिस फैक्ट अबाउट कि आपको सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए या आपको डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर चाहिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल अ लार्ज एंड अ कॉम्प्लेक्स एंटिटी फ्रॉम हेड ऑफिस, तो फिर आप उसे डिसेंट्रलाइज ही करेंगे. सो ये डेफिनेशन यहाँ पे आपने डिस्कस करनी है, व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों के ड्रॉबैक्स क्या हैं. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इनफैक्ट ये वाला क्वेश्चन दो दफा आपके पेपर में फिर हो भी चुका है. सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, व्हेन डिसीजन आर टेकन बाय द मैनेजमेंट दे विल डेफिनेटली बी टेकिंग द होल ऑर्गेनाइजेशन इनटू अकाउंट. ठीक है ना, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट को पूरे इदारे का पता होता है. सो सेंट्रलाइज डिसीजन टेक द कंप्लीट एंटिटी एज अ होल. अगर आप डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को डिसीजन मेकिंग अलाउ कर देंगे तो वो फिर सिर्फ अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जो बेनिफिट्स हैं उनको फोकस करेंगे एंड दे माइट नॉट बी लुकिंग एट द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स. सो दैट्स व्हाई वी से कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस शुड बी टेकन सेंट्रली. डिसीजंस टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट आर वेल कोऑर्डिनेटेड, दे आर कोऑर्डिनेटेड मोर इफेक्टिवली. यू सी स्पेशली व्हेन अ फर्म इज गोइंग थ्रू क्राइसिस, जब एक इदारा क्राइसिस से गुजर रहा होता है, इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि उस वक्त डिसीजन सेंट्रल होने चाहिए. क्राइसिस सिचुएशन के अंदर अगर आप डिसेंट्रलाइज करते हैं तो फिर डिलेज आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो सकते हैं. अभी आगे जाके बढ़ते हैं. एक ड्रॉबैक है ये डिसेंट्रलाइजेशन का कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं. अच्छा, आपकी जो बुक है इसके अंदर दोनों के बेनिफिट्स को डिस्कस किया गया है, बट यू मे ऑल्सो बी आस्क्ड अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ बोथ. दोनों के प्रोज तो यहाँ गिवन है, कॉन्स भी आ सकते हैं. तो इट्स अ वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आप फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस को रेसिप्रोकेट कर दें, उलट कर दें, तो आपके पास डिसेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स आ जाएंगे. आप इसके बेनिफिट्स को रेसिप्रोकेट कर दें तो आपके पास इसके ड्रॉबैक्स आ जाएंगे. ठीक है, तो अगर आप इनको उलट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल डिसीजंस बाय मैनेजमेंट आर मोर लाइकली टू बी टेकन विद रिगार्ड फॉर द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव, तो इसको अगर आप रिवर्स कर देंगे तो ये इसका ड्रॉबैक बन जाएगा कि डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के अंदर देयर इज लैक ऑफ कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स टेकन एज अ होल. सिर्फ आप हर पॉइंट को बस रिवर्स कर दें, वो इसके ड्रॉबैक्स बन जाएंगे. इसी तरह डिसीजंस आर वेल कोऑर्डिनेटेड व्हेन टेकन सेंट्रली, डिसीजंस आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड व्हेन टेकन इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर. ठीक है ना, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर के बेनिफिट्स क्या होते हैं. बहुत सारी सिचुएशंस में जो लोकल मैनेजर्स हैं दे हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर नॉलेज ऑफ द मार्केट. जैसे नेस्ले है, नेस्ले के अब डिफरेंट मार्केट्स के अंदर डिफरेंट सेल्स के लोग हैं, तो जो सेल्स के लोग हैं नेस्ले के, दे हैव बेटर नॉलेज के उनके अपने अपने रिस्पेक्टिव रीजन्स के अंदर कस्टमर की डिमांड्स क्या हैं, कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या हैं, एंड दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू कमेंट ऑन दैट हाउ द कंपनी शुड चेंज देयर सेल्स स्ट्रेटजी. सो देयर आर सो मेनी सिचुएशंस जहां पे लोकल मैनेजर्स हैव अ बेटर नॉलेज एंड दे कैन
दे आर इन अ बेटर पोजीशन, तो इसलिए टैक्टिकल और ऑपरेशनल डिसीजन जो है ये डिसेंट्रलाइज ही होने चाहिए। सिमिलरली गिविंग अथॉरिटी टू मैनेजर्स एट डिविजनल लेवल एंड बिलो हेल्प टू मोटिवेट द मैनेजमेंट टीम, मोरल बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ती है। अगर आप इस पॉइंट को रिवर्स कर दें तो इसका ड्रॉबैक बन जाएगा, व्हेन डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट द लोअर लेवल मैनेजमेंट माइट बी डीमोटिवेटेड। ये थोड़ी सी ना आपको एक सेंस डेवलप अपने अंदर भी करनी है कि हाउ टू यू नो ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड हाउ टू ट्विस्ट अ पर्टिकुलर टॉपिक। तो अगर आपसे एग्जामिनर पेपर में पूछ लेता है कि सेंट्रलाइजेशन के ड्रॉबैक्स क्या हैं, तो यू सिंपली हैव टू रेसिप्रोकेट दीज फोर पॉइंट, इनको उलट कर देना है आप। ये बात समझ आ रही है ना? एंड इफ एग्जामिनर आस्क अबाउट ड्रॉबैक्स ऑफ सेंट्रलाइजेशन, तो फिर आपने इन चार पॉइंट्स को उलट कर देना। अगर आपसे पूछता है ड्रॉबैक्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो आपने इन चार पॉइंट्स को रिवर्स कर देना। गेटिंग दिस? और यू वांट मी टू जस्ट समिट समिट अप फॉर यू, मैं लिख दूंगा खाली आपके लिए। स्पून फीडिंग की आदत है ना, अभी बड़े नहीं हुए अभी, लेट मी टाइप इट फॉर यू। आप सबको आवाज आ रही है मेरी? बिकॉज़ आई एम नॉट गेटिंग योर मैसेजेस। ओके, अब आने शुरू हुए। ओके, लेट मी ड्राफ्ट इट फॉर यू। इसको मैं ड्राफ्ट कर देता ये क्वेश्चन दो दफा आ चुका है एग्जामिनेशन में और कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आया था, और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन था। इट वाज अ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, अपीयर ट्वाइस, और इस क्वेश्चन को ये एजाज भी हासिल है कि ये कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में भी आया है। ये क्वेश्चन जो है ये कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में अपेयर हुआ है पेपर के अंदर, सो यू हैव टू बी डेफिनेटली केयरफुल अबाउट दिस टॉपिक। इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और पेपर में एग्जामिनर बड़ा यू नो केस देखे, उसमें से तीन चार टॉपिक्स को इकट्ठा आपसे पूछ लेता होता है। सिनेरियो बेस्ड टॉपिक्स पिछले दो तीन अटेम्प्ट से ज्यादा आ रहे हैं पेपर के अंदर। सिनेरियो बेस्ड जो टॉपिक्स हैं वो दो तीन अटेम्प्ट से ज्यादा आ रहे हैं एग्जामिनेशन के अंदर, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसीलिए तो बेटा प्रैक्टिस करवाई जाती है ना। अभी जैसे हम इसी क्वेश्चन का, इसी टॉपिक का एक देखेंगे ना सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, तो इसीलिए तो हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके, लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड देन देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। बेनिफिट्स अभी डिस्कस किए हमने, पहला बेनिफिट क्या है? मैनेजमेंट टेक्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स एज अ होल दूसरा बेनिफिट देखा इसका हमने, डिसीजन आर वेल कोऑर्डिनेटेड व्हेन टेकन बाय द टॉप मैनेजमेंट, और तीसरा बेनिफिट देखा हमने, इन क्राइसिस डिसीजन शुड बी टेकन सेंट्रली। ठीक, ड्रॉबैक्स क्या है? Level of morale of the employees will be low. Employees का मोराल लो होगा सेंट्रलाइजेशन के अंदर। Decision making can be delayed due to long chain of command. Decision making delay हो सकती है long chain of command की वजह से। Top management might not have better knowledge of the market and local situations. Top management को बेहतर knowledge नहीं है market का और local situations का, so they are not in a good position to make a good decision. ठीक है, and senior management might be too busy. Might be too busy to take all the decisions.
सीनियर मैनेजमेंट बहुत बिजी हो सकती है सारे डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। ओके, इसी तरह आप अब आई बिलीव के डिसेंट्रलाइजेशन के आप खुद निकाल लेंगे, क्या ख्याल है, हो जाएगा? वो भी लिख दो। गुड, शाबाश, ये हुई ना बात खालिद साहब। ओके, लेट मी पुट इट डाउन, लिख देता हूँ बेटा। अच्छा जी, एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ये तो आप यहाँ से निकाल लेंगे जो आपके वहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके ड्रॉबैक्स यहाँ लिखने, ड्रॉबैक्स लिख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है इसका? कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स माइट बी कॉम्प्रोमाइज्ड व्हेन डिसीजंस आर टेकन डिसेंट्रलाइज मैनर, ठीक है। देन अनदर ड्रॉबैक डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर का, डिसीजंस आर नॉट वेल कोऑर्डिनेटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। Decisions can be delayed due to conflict between the decision makers। और देखें दोनों में डिलेज पॉसिबल है, सेंट्रलाइजेशन में डिले पॉसिबल है ड्यू टू लॉन्ग लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, और डिसेंट्रलाइजेशन में डिले पॉसिबल है ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिसीजन मेकर्स, ठीक है। तो ये वाला इशू जो है ये दोनों में पाया जाता है, एक तरफ डिसीजन डिले हो सकते हैं लॉन्ग चेन ऑफ कमांड की वजह से, और एक तरफ डिसीजन डिले हो सकते हैं ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द, क्योंकि जितने ज्यादा लोगों को आप इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग के अंदर उतनी ओपिनियन ज्यादा होंगी और कंसेंसस देर से आएगा, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स व्हिच कैन बी पुट, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन के यहाँ पे। हाँ, दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं विच आर हेल्पफुल। तो ये दोनों कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एग्जामिनर जो है वो बड़ा प्रिसाइज क्वेश्चन पूछ सकता है इसके ऊपर। इनफैक्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आ भी चुका है पेपर में, ये आई गेस लास्ट अटेम्प्ट में आया था, शायद से पिछली में आया था। लेट मी सी कौन सी अटेम्प्ट में सवाल था। सो दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड आई गेस ट्वाइस और थ्राइस इन द पेपर। हाँ, ये देखें ना, अभी ये दोनों कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स में आया था क्वेश्चन, और इससे पहले भी आ चुका है काफी पहले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट बी था, अभी ये रीसेंट अटेम्प्ट के अंदर, इफ वी कैन लुक एट दिस क्वेश्चन, इट वाज क्वेश्चन नंबर 5। ये था जी क्वेश्चन, ये देखें, लेट्स लेट्स रीड दिस सिनेरियो। ये क्वेश्चन नहीं आया था, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है जी? इतिहाद ई मार्केटर इज अ सॉफ्टवेयर हाउस दैट डेवलप एंड सेल्स ई मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। इट हैज 3 डिवीजंस, नेमली एसएमएस, ईमेल एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोडक्ट्स। इट मेंटेन 5% मार्केट शेयर इन द डोमेस्टिक मार्केट एंड एम्स टू ग्रो इट्स शेयर। आईईएम हैज अ स्ट्रांग वर्कफोर्स ऑफ 15 हाईली टेक्निकल इंडिविजुअल्स। It follows a divisional structure where the decisions are made by the managers responsible for their respective products who are fairly democratic. Democratic से क्या मुराद है? Democratic से मुराद है decision making किसी को देना, decentralized। तो इसका मतलब है कि currently इनका जो structure है वो decentralized है। This is the key word that is making you understand कि इनका structure क्या है। In their approach, IEM value effective teamwork above all and believe in investing in its people to upgrade their skills. इसमें ना असल में इस एक सिनेरियो के अंदर तीन चार क्वेश्चन आए थे। एक तो पूरा ये क्वेश्चन था चेंज मैनेजमेंट के 7S मॉडल के ऊपर, तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन 7S की भी दी गई है जो अभी आपको रेलिवेंट लग रही होगी, जो आपके रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है डिसीजन मेकिंग की और स्ट्रक्चर के हवाले से। वो इसमें स्ट्रक्चर की टाइप बताई गई है, डिवीजनल स्ट्रक्चर और डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक से मुराद होता है
से मुराद होता है इन्वॉल्विंग द पीपल इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग. सो व्हाट डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर इज फॉलोड एट आईएम? दैट इज डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर. स्टेट थ्री एडवांटेजेस ऑफ दिस स्ट्रक्चर. 4 मार्क्स का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स इज देयर. कौन सा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है और उसके बेनिफिट्स क्या है? इससे बेहतर, ये तो खैर बहुत ही आसान था, इससे एक थोड़ा सा स्लाइटली एडवांस्ड केस आया था मार्च 19 की अटेम्प्ट में. इससे एक स्लाइटली डिफिकल्ट केस था, दैट वाज इन मार्च 19. ये देखें, इसमें एग्जामिनर ने सिनेरियो देके पूछा था कि करंट स्ट्रक्चर से नया स्ट्रक्चर जो है वो कौन सा होना चाहिए. व्हाट इज द करंट स्ट्रक्चर एंड व्हाट शुड बी द न्यू स्ट्रक्चर. ये क्वेश्चन था जी. दिस वाज अ क्वेश्चन वर्थ 8 मार्क्स. 8 नंबर का सवाल था. क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या थी? एपिटाइट चॉकलेट इज अ चोको बुटीक स्पेशलाइजिंग इन चॉकलेट्स. इट हैज 3 आउटलेट्स एंड द बिजनेस इज डूइंग वेल. एट एपिटाइट चॉकलेट अथॉरिटी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अपर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. So what type of structure is this? What type of structure is this? जी ओसामा, मैं भी करवाता हूँ. Just a minute, I have just read your message. मैं भी करवाता हूँ. So this is centralized structure. ठीक है. Senior management makes strategies and policies which are handed down to the lower level staff for implementation. AC has now started offering license to franchises across the country. These franchises bear same name and basic concept, but authority here is less concentrated. Lower levels in the hierarchy can make decisions. Each franchise is responsible for their own operations. Identify the type of decision making at AC and type of decision making at franchise. Provide reason for the answer. 2 marks, straightforward. AC mein decision making centralized hai, aur franchise ke andar decentralized hai. Reason kya hai? AC ke andar decision making concentrated hai at top management. और फ्रेंचाइजेस के अंदर डिसीजन मेकिंग इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड एंड लोअर लेवल हायरार्की कैन मेक डिसीजंस. ये रीजन है आपके पास. लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ ईच टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग. 6 मार्क्स. इससे आसान सवाल नहीं हो सकता था पेपर के अंदर. अ क्वेश्चन कैन नॉट कम इजियर देन दिस वन. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो 8 मार्क्स का क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन के अंदर, जिसमें आपसे पूछा गया था कि सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कौन सा होता है, डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर कौन सा होता है, और दोनों के बेनिफिट्स. और बट स्टिल यू मे एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन ऑन ड्रॉबैक्स एज वेल. इफ आई बी द पेपर सेटर, तो मैं जरूर इस तरह का स्टूडेंट का नॉलेज चेक करूंगा कि स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट कितने क्लियर हैं. सो आई माइट पुट सच अ क्वेश्चन ऑफ ड्रॉबैक्स. ठीक है ना. ओके, सो दैट वाज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप्स. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल रिलेशनशिप्स का ये वाहिद एस्पेक्ट है. इसके बाद आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स. एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स एक इदारे के वैसे तो 4 किस्म के होते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट में 2 डिस्कस किए जा रहे हैं. अलाइंसेस होते हैं, वर्चुअल कंपनीज होती हैं, आउटसोर्सिंग होती है, और देयर इज वन मोर. एनीवे, आपकी बुक में 2 डिस्कस किए जा रहे हैं, आउटसोर्सिंग और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन. आउटसोर्सिंग मींस जब एक इदारा अपना कोई एक फंक्शन किसी थर्ड पार्टी से पूरा करवाता है. फिर रिमेंबर वी टॉक अबाउट दिस व्हाइल टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी इन पेस्टल. आउटसोर्सिंग का पर्पस ये होता है दैट यू मेक अरेंजमेंट फॉर सम अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरी अ सर्टेन टास्क एट योर बिहाफ, ऑन योर बिहाफ, गिविंग अ टास्क टू अ सब कॉन्ट्रैक्टर फॉर एग्जाम्पल. आउटसोर्सिंग इज वेरी कॉमन इन वेरियस इंडस्ट्रीज. जैसे कंस्ट्रक्शन में आउटसोर्सिंग बड़ी कॉमन है, ऑटोमोबाइल में आउटसोर्सिंग बड़ी कॉमन है. ऑटोमोबाइल के अंदर जैसे होंडा या टोयोटा है, इनकी 90% पार्ट्स आउटसोर्स होते हैं. ठीक है, एग्जैक्टली 90% पार्ट्स इनके आउटसोर्स होते हैं. ये मेनली गाड़ी की असम्बली करते हैं. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिफाइन करते हैं आउटसोर्सिंग को. साइज ऑफ द एंटिटी, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये डिफाइन करेगा कि उन्हें किस किस्म के ऑपरेशंस को आउटसोर्स करना है. जी बिल्कुल, हमने हमने आउटसोर्सिंग को काफी थॉरली डिस्कस किया था लास्ट टाइम, इसलिए मैं इसको जरा स्पीडी से गुजार रहा हूँ. आउटसोर्सिंग
का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कंसिस्टेंट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपेटिटिव एडवांटेज. ये भी हमने डिस्कस किया था पहले. कंपेटिटिव एडवांटेज कहते हैं द सुपीरियोरिटी अ फर्म हैज ओवर इट्स कंपेटिटर्स. एक इदारा कैसे बेहतर है अपने कंपेटिटर्स से, इसे कहते हैं उसका कंपेटिटिव एडवांटेज. ठीक है. तो एंटिटी वांट्स टू कंसंट्रेट ऑन देयर कोर कॉम्पिटेंस टू डेवलप कंपेटिटिव एडवांटेज, दे विल देन आउटसोर्स नॉन कोर एक्टिविटीज. तो कोर और नॉन कोर का भी हमने डिफरेंस पढ़ा था. कोर एक्टिविटी वो होती है जो एक इदारे का मेन टास्क होता है, जिसकी बुनियाद पर इदारा अपनी मार्केट में इस्टेब्लिश्ड होता है. जैसे होंडा की जो कोर एक्टिविटीज है वो गाड़ी की असेंबली है, डिजाइनिंग है, उसकी मार्केटिंग है. ये होंडा की कोर एक्टिविटीज है. नॉन कोर वो होते हैं जो एक इदारे का ऑक्सिलरी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे जेनिटोरियल ऑपरेशंस हैं, सपोर्ट स्टाफ ऑपरेशंस हैं फॉर एग्जांपल, या इफ यू टॉक अबाउट पेरोल्स लेट से. ठीक है. तो अक्सर ये आपके, और ये भी डिस्कस किया था कि एक इदारे का जो कोर होता है वो दूसरे का नॉन कोर होता है. कोर ऑफ वन एंटिटी विल ऑटोमेटिकली बी, मतलब नॉन कोर ऑफ वन विल बी कोर ऑफ द अदर. जैसे एक होंडा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए सिक्योरिटी सर्विसेज हायर करता है फ्रॉम अ सिक्योरिटी फर्म. फिनिक्स आर्मर है और है. अब एक सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी का जो कोर है वो सिक्योरिटी सर्विसेज है, वो उसे आउटसोर्स नहीं करेंगे. ठीक है. सो इसी तरह बिजनेस चेन बनती है ना, इसी तरह सप्लाई चेन बनती है. सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट ही है कि देर इज इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. इंटरडिपेंडेंसी होती है ना इदारों की नीड्स में, और तब आप एक पूरी सप्लाई चेन बनाते हैं कि एक का आउटपुट जब दूसरे का इनपुट होता है, द आउटपुट ऑफ वन बिकम्स द इनपुट ऑफ द अदर. ठीक है. सो इदारे वो एक्टिविटीज जो है वो आउटसोर्स करते हैं जिसमें उनकी कोर कॉम्पिटेंस नहीं होती. ठीक है ना. और ये उनको आउटसोर्स करते हैं जिनकी वो कोर कॉम्पिटेंस होती है, सो दैट दे कैन एबल टू एड मोर वैल्यू. दे आर एबल टू एड मोर वैल्यू एज कम्पेयर टू इफ द वर्क इज बींग कैरिड आउट बाई द ऑर्गेनाइजेशन इट सेल्फ. अगर एक तालीमी इदारा अपनी सिक्योरिटी गार्ड खुद हायर करेगा तो दे माइट नॉट बी एबल टू एड मोर वैल्यू इन दैट फंक्शन एज कम्पेयर टू अगर वो उसे आउटसोर्स कर देगा किसी स्पेशलाइज सिक्योरिटी फर्म को. ठीक है. हाँ, लेकिन एक तालीमी इदारे का जो कोर है वो टीचिंग है, एकेडेमिक्स है, तो उसको आउटसोर्स नहीं कर सकते, उसको वो इन हाउस ही रखेंगे. तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर आउटसोर्सिंग. रीजंस ये होते हैं आउटसोर्सिंग के. नंबर वन, एंटिटी हैज टू फोकस ऑन इट्स कोर एक्टिविटी. नंबर टू, एंटिटी कैन आउटसोर्स द टास्क दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ सम अदर एंटिटी. एंड नंबर थ्री, द आउटसोर्स्ड वर्क माइट रिक्वायर सम स्पेशलाइज्ड स्किल्स व्हिच करंटली आर नॉट अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक अकाउंटेंसी फर्म है, उसने एक कुछ पे रोल सॉफ्टवेयर डेवलप करवाना है. अब अकाउंटेंसी फर्म के पास आईटी का डिपार्टमेंट तो जरूर होगा, लेकिन आईटी के डिपार्टमेंट में प्रोग्रामर्स नहीं होंगे. दे विल हैव एन आईटी डिपार्टमेंट, बट दे माइट नॉट हैव प्रोग्रामर्स इन दैट डिपार्टमेंट. तो उनके पास वो स्पेशलाइज स्किल नहीं है. या तो वो स्पेशलाइज स्किल हायर करें, लेकिन फिर उनको एक पूरा करियर स्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, उनको उनके कंप्लीट करियर पाथ एस्टैब्लिश करना पड़ेगा. तो व्हाट दे विल डू इज देन दे सिंपली आउटसोर्स इट, उसे आउटसोर्स कर देते हैं. आउटसोर्सिंग के दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं. नंबर वन, आउटसोर्सिंग के अंदर आपका कंट्रोल लूज हो जाता है अपनी एक्टिविटीज के ऊपर. यू सिंपली लूज योर कंट्रोल ओवर योर एक्टिविटीज. और नंबर टू, जी एग्जैक्टली ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे. और मतलब ये जितने भी मोबाइल फोन की जो कंपनीज हैं, इनके जो पार्ट्स हैं वो मेनली आउटसोर्स ही, इनके जो 90% पार्ट्स आउटसोर्स ही होते हैं. ये मेनली असेंबली करते हैं सिर्फ फोन की. अब एप्पल की एग्जांपल ले लें तो एप्पल के 90% पार्ट्स जो है वो आउटसोर्स होंगे. ये मेनली फोन की असेंबली करते हैं मेन. ठीक. दूसरी मेन प्रॉब्लम आउटसोर्सिंग में ये होती है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग एंड एक्शंस आर नॉट परफॉर्म्ड अगेंस्ट एक्सपेक्टेशंस, सो देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ बैड रिप्यूट इन द मार्केट. मतलब आपका आउटसोर्स वर्क कोई थर्ड पार्टी ने खराब किया है, ठीक है ना, बट इट इज गोइंग टू अफेक्ट योर रिप्यूट. इससे रिप्यूट आपकी खराब हो जाएगी. इट डिड हैपन अ फ्यू इयर्स बैक. अखबार में इश्तिहार आया, टोयोटा ने एक अखबार में ऐड दिया. 3-4 साल पुरानी बात है शायद. टोयोटा ने एक इतना बड़ा न्यूज़पेपर में ऐड दिया, जंग में और मेजॉरिटी न्यूज़पेपर्स में. एंड दे गेव
अ लिस्ट ऑफ अ सर्टन रेंज ऑफ सर्टन इंजन नंबर्स, और उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने इस इंजन नंबर की रेंज में गाड़ियां परचेज की हैं, वो सारी गाड़ियां जो हैं वो इमीडिएटली किसी 3S डीलर पे या किसी भी टोयोटा शोरूम पे रिपोर्ट करें। तो वो जब रीजन पता लगी, जब पूछा गया हुआ क्या, तब तो पता लगा कि एक सर्टन लॉट थी कार जैक्स की, जिसके ऊपर जैक लगा के गाड़ी को उठाते हैं ना टायर चेंज करने के लिए, तो एक सर्टन लॉट थी कार जैक्स की जो पूरी की पूरी डिफेक्टेड थी, फ्लॉड थी। और कंप्लेंट्स आई कुछ कस्टमर्स की तरफ से, कंप्लेंट्स ये आई कि जनाब वो गाड़ी पर जैक लगाया कस्टमर ने टायर चेंज करने के लिए और गाड़ी जो है वो गिर गई, जैक ने गाड़ी का वेट बर्दाश्त नहीं किया जिसकी वजह से एक्सल टूट गया, बम्पर टूट गया, नुकसान भी हुआ कस्टमर का। सो व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड सो दे गॉट टू नो कि पूरी लॉट ही खराब थी, देयर वाज अ होल लॉट दैट वाज अफेक्टेड। तो उन्होंने फिर जब ये ट्रेस किया कि अच्छा वो लॉट किन किन गाड़ियों में डाल के भेजी है हमने जैक्स की, तो उन्होंने फिर सारी गाड़ियां वापस मंगवाई, उन्होंने कस्टमर्स को वो जैक रिप्लेस करके दिया, कस्टमर को उन्होंने फिर पता नहीं कोई 2 मंथ 3 मंथ कोई फ्री सर्विस ऑफर की जस्ट टू कॉम्पनसेट अगेंस्ट द लॉसेस। तो ये एक नुकसान होता है आउटसोर्सिंग का, जब आप आउटसोर्स करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं वो आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो ठीक है, ऑन टोयोटा ने जैसे भी कॉम्पनसेशन ली होगी अपने आउटसोर्स पार्टनर से, बट यू यू डोंट नो ना कि जैक किस कंपनी ने बनाया था, आप तो टोयोटा को जानते हैं, तो आप तो टोयोटा को कंप्लेंट करेंगे ना, इससे रिप्यूट खराब होती है सारी। तो इसलिए बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है आउटसोर्स एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है ना। तो ये मेन दो प्रॉब्लम है, एक तो आपका कंट्रोल लूज हो जाता है और दूसरा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो अफेक्ट होती है, समथिंग गोज रॉन्ग विद आउटसोर्स पार्टनर। ठीक है, काफी आज के लिए, आई गेस इनफ फॉर टुडे। वर्चुअल मंडे को देखते हैं इंशाल्लाह, ठीक है, और उसके बाद फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं वो डिस्कस करके। तो आगे दो मॉडल हैं, एक बर्न एंड स्टॉकर का है और एक हेनरी मिंट्सबर्ग का है, ये दोनों मॉडल्स आप इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे, होपफुली विद इन 3 4 सेशंस हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है जी। नवीद, इट्स ऑन, आई विल बी ट्रेवलिंग फ्रॉम 15th ऑनवर्ड्स, और जो कॉन्फ्रेंस है वो 23 तारीख को है, 23rd को, लेकिन मैं 15 से ऑनवर्ड्स ट्रेवल कर रहा हूँ, ठीक है वो, बट वी विल हैव अ स्केड्यूल फॉर दैट, डोंट वरी। उसके लिए मैं आपके साथ ना एक स्केड्यूल सेट करके जाऊंगा ताकि आप भी इफेक्ट ना हो। ये अभी कंफर्म नहीं है बेटा, नंबर ऑफ डेज कितने ऑफ होंगे ये अभी कंफर्म नहीं है, ये आई विल ट्राई कि वहां से भी आपके साथ कम्युनिकेट कर सकूं, बट अगेन चूंकि टाइम डिफरेंस काफी ज्यादा है सो आई हैव टू सी कि यहाँ पे आप लोगों की क्या मसरूफियत होगी, वहां पे उस वक्त मेरी क्या मसरूफियत होगी, तो वी विल डिसाइड अबाउट दैट, बट डोंट वरी वी स्टिल हैव 2 वीक्स टू गो, तो इसमें हम इंशाल्लाह डिसीजन करेंगे। हाँ दैट्स गुड, इफ यू आर मैनेजिंग योर पेपर्स दैट्स नाइस। यस यू ऑल कैन कम अलॉन्ग विद मी, आ जाए जॉबर, पूरा जहाज बुक करा लेते हैं। ग्रेट, चलें जबरदस्त, ठीक है जी, फिर लेट्स कंटिन्यू दिस ऑन मंडे। अल्लाह हाफिज़।